ऐसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल मार कुछ नहीं। तो अब यार ये इतने सारे गीतकार, वो गीतकार उधर से एक नंबर पे गीतकार, दो नंबर पे गीतकार, तीन नंबर पे गीतकार, चार नंबर पे कभी ये मेरी बिरादरी के दिनेश भाई, पांचवे पे फिर शशि भाई गीतकार, विनीत भैया गीतकार, भाई साहब भी गजल लिखते हैं मतलब गा नहीं सकते इसलिए, पर है गीतकार ही है। और आप चिंता मत करना सर कि आपको गाना नहीं आता है, इस देश में जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं। और वो क्यों हैं बड़े गीतकार? क्योंकि वो गाते नहीं थे। नहीं गाते तो फिर कोई वो गीतकार होते क्या? तो ये भैया इधर गीतकार राहुल, वो ये दोनों आदरणीय गीतकार, मतलब यार ऐसा एक मतलब अपने को मतलब बाटी पसंद है तो सबको बाटी परोसो, ऐसा थोड़ी सबकी अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा आपने प्लान बना लिया, बोले गीतकार 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 गीतकार, गीत कविता के प्राण है, कवि सम्मेलनों के प्राण है गीतकार। डॉक्टर हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन का प्राण है गीत, और जिस दिन गीत मर जाएंगे मंचों से उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे, और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गया तो और ताली बजा रहा यार, थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो। इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार, यार जो आए जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार ताली, भावुक हो गए, भावुक हो गए, इसका मतलब ताली थोड़ी बजती भावुक होते जाते तो। बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे ताली बजाओ रे, मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की। आप प्रेम से सुनो यार, इतने लोग बहुत बहुत सारे लोग कम पड़ गए, और ये क्यों कम पड़ गए आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें, आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो, बातें करते करते जा रहे हैं, हर बोले यार ताली बजा बजवा के परेशान कर रहे हैं यार, कविता सुनाए ना छुट्टी करे यार, बोले ताली बजा ताली, अरे क्या नौकर है क्या अपने यार उनके ताली बजाए? और पहली बात ताली कौन बजाता है यार? यार शुद्ध मनो, हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि चार लाइन जैसे ही उन्होंने पूरी कर दी, चौपाई मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल वीर संभारी, हरुनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ, ऐसा लिखा क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा ना ताली बजा भाई, उसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं, रात को आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना, पाँच सात मिनट आपके बीच में। मैं ये कह रहा था कि यार भगवान श्री राम के लिए आपने इतना बढ़िया नरेश भाई, सॉरी अरे अमन भैया, ये अभय भैया, ये क्या कि नरेश ने इतनी सारी पोस्टर डाली है कि वो याद रहता है जबान के लिए। तो हाँ हाँ नरेश निर्भीक कवि सम्मेलन के खिलाफ लिखता है, गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कुछ नहीं, उसको चार कवि सम्मेलन बुला लो तो अच्छे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी होता। आपने जो राम रावण का प्रसंग सुनाया सर, बहुत अच्छा प्रसंग, राम रावण को लेकर के आपने जो बात कही है अद्भुत बात कही है। रावण की जो मृत्यु हुई है, रावण इसलिए मर गया क्योंकि वो रावण था। आप हंसने की, आपको समझना है, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो दो आंखें हैं ना, इन दो आंखों के अंदर एक आंख और है, उस अंदर की आंख से आप देखो। अब उसमें को आप देख नहीं पा रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके कोशिश करना कैसे देखा जाता है अंदर से, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। तो क्या हुआ कि थोड़ा आनंद यार, बहुत ठंड में ठहर गए हैं लोग, बैठे हैं देशभक्ति की बातें, जानी वो जानी वो छूट जाएगा, वो रामायण सीरियल का मुल्ला जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया इसके बाद। हाँ हाँ सुनो, साकिर सेठ हमारे सामने, साकिर सेठ, वो क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतिकरण हुआ, हमारे धर्म की जो रामलला की, और ये जो बातें हो रही है, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है, भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान हमारे सनातन धर्म की जड़ें, जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में, दवे साहब उसको बना था 40 भाषा में, और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9:30 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था, लाइलोन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत, लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, उधर चोरी जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गांव में रामायण चल रही, विनीत भैया सुनना, तो रामायण चल रही साहब,
आप देखो, अलग अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9:30 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा, लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के, तो यार दो मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बोले हाँ साकिर शेठ कमाल करी डीडू। बोले शू करी डीडू? बोले हाँ रामानंद सागर ने कमाल करी डीडू। हाँ रामानंद सागर ने रामायण सीरियल में शू कीडू? आ शू कीडू कि हाँ सीता भाभी तमें आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओ मटी, ने कछु गड़बड़ ठाई जाए तो हमारी जवाबदारी न थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था, तो दोनों आपस में बात करते करते बोले आ रामानंद साकिर से रामानंद सागर ने कमाल करी डीडू। बोले शू करी डीडू? बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण देवर से सीता भाभी ने सुकडू। बोले आ सीता भाभी तमें आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओ मटी, ने कछु गड़बड़ ठाई जाए तो हमारी जवाबदारी न थी। आ बात सुनी ना साकिर शेठ घरे गया, और घरे जाए ना फरीडानी मम्मी से कीधू कि आ फरीडानी मम्मी तमें बाखर से बाहर जाओ मटी, ने कछु गड़बड़ ठाई जाए तो हमारी जवाबदारी न थी। हमने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। इस हिंदुस्तान की जनता ने क्या बात कर रहे हो सर, जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से हमने डिसीजन लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। हमारे विनीत चौहान सर लेक्चर आ रहे केमिस्ट्री के, अमन सर पढ़े लिखे सर वहाँ लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर है, और डॉक्टर कीर्ति काले और राहुल सारे पढ़े लिखे, खाली एक मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को ये बताओ, ये पढ़े लिखे होकर के इन्होंने क्या कर लिया? कर तो वही रहनी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता कि इनसे अच्छा भी कर जाऊं कई बार। बच्चे लिख करके क्या कर लिया इन्होंने? हाँ तो हिलाना की जरूरत नहीं, पीछे वो बैठे दवे साहब उनसे पूछो कि किसका पेमेंट कितना। पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में क्या कर लिया? रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने एक आतंकवादी के लिए। इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने राम के ऊपर उंगली उठाई होगी, अंगूठे छाप आदमी ने गांव में रहने वाले आदमी ने कभी राम के लिए कुछ नहीं कहा होगा। इस देश के अंदर पढ़े हिंदुस्तान की, मैं आपसे एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं।